retained profits we know that these are the accumulated profits and in this module we will learn what is the movement in those retained profits or accumulated profits well as i was just saying that the retained profits are in fact the accumulated balance of the profits or losses that we have enjoyed or suffered in the previous years or how huh, we add our current years, current reporting periods, profit for the year in that retained profit. So this retained profit or accumulated profit is in fact comprising of all the realized gains or losses. Alright. movement So आसान सी बात है प्रॉफिट फॉर द ईयर वी आर एडिंग इन दिस अकोमोलेटेड प्रॉफिट विच वी हैड इनफैक्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर उस जो हमारे पास लास्ट ईयर में था रिटेन प्रॉफिट उसमें इस साल के प्रॉफिट फॉर द ईयर को ऐड किया तो टोटल अकोमुलेटेड रिटेन प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास आ गई अब वो जो अकोमुलेटेड प्रॉफिट हमारे पास हैं उसमें फर्दर मूवमेंट क्या होता जो फर्दर मूवमेंट है उसमें एक तो आपने अनरियलाइज्ड पोर्शन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस अपॉन डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट आपने शो करना है क्योंकि दैट एसेट हैज बीन डिस्पोज ऑफ रियलाइज हो गया रियलाइजेशन right, का हमने यही मानी जो है वो सीखा था वेन द नॉन कैश रिसोर्सेज आर डिस्पोज ऑफ और डी और सोल्ड आउट एंड कन्वर्टेड इनटू कैश इनटू मनी तो वो एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया हमें रियलाइज हो गया जब रियलाइज हुआ तो उसका जो आपका अन प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में शो किया था वो अकूमुलेटेड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में पड़ा हुआ है वहां क्या कर रहा है वहां से निकालेंगे और उसे हम यहां पर अकूमुलेटेड प्रॉफिट में यानी कि रिटेन अर्निंग्स में शामिल करते हैं इसी तरह से जो एक्सेस डेप्रीसी होती है जिसको हम एक्सपेंस में शो कर चुके हैं प्रॉफिट्स इस साल के जो हमने कैलकुलेट किए उनको मैच करने के लिए हमने एक्सपेंस में उसको डेबिट कर दिया तो हम इसे कहेंगे कि ये रियलाइज हो गया क्योंकि इतने से आपने उसकी कैरिंग अमाउंट को रिड्यूस कर दिया उस एसेट की कैरिंग अमाउंट को रिड्यूस कर दिया लिहाजा आप इस अमाउंट को भी उठाएंगे जो आपकी अकूमुलेटेड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में पड़ी हुई है और निकाल के आप अकूमुलेटेड प्रॉफिट्स में शामिल कर देंगे अकोमलेटेड रियलाइज प्रॉफिट या रिटेन प्रॉफिट जिसे आप कहते हैं और दूसरी बात यह कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो रही है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंट वो डिविडेंट आपने रिटेन प्रॉफिट में से जो पे किया उसको आप रिटेन प्रॉफिट में डेबिट करते हैं यानी कि रिटेन प्रॉफिट में से निकालते हैं और डिविडेंड पेएबल बना देते हैं अपना और फिर उस डिविडेंड पेएबल को कैश के तौर पे आप पे कर देते हैं ये आपने जो रिपोर्टिंग डेट से पहले पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया ये उसकी बात हो रही है याद रखिएगा अच्छा इसके बाद आप एक और पॉइंट अभी बोनस इश्यू में देख ही चुके हैं कि आपने बोनस शेयर्स भी इशू किए थे उसके लिए भी आपने रिटेन प्रॉफिट्स को यूटिलाइज किया था तो वो भी आपके जो हैं वो बोनस शेयर हैं या डिविडेंट हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के तौर पर ही लिए जाते हैं रिटेन प्रॉफिट्स उतने से रिड्यूस हो जाते और एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मूवमेंट है रिटेन प्रॉफिट में दैट इज अबाउट सेटिंग प्रॉफिट एज रिजर्व आप चाहते हैं कि इस प्रॉफिट को हम यूटिलाइज ना करें किसी और मकसद के लिए आप उसको एक स्पेसिफिक रिजर्व के तौर पे नेम्ड रिजर्व के तौर पर क्रिएट कर लेते हैं और वो आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी में ऑनर्स इक्विटी में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व के अंदर कैपिटल रिजर्व के तौर पर असाइड हो जाता है रिटेन प्रॉफिट में से निकल जाता तो इसके ऊपर आप एक रिटेन प्रॉफिट का अगर अकाउंट देखते हैं तो आपको चीज और क्लियर हो जाती है कि ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है इसकी क्रेडिट नेचर है हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 500 मिलियन का ओपनिंग बैलेंस मौजूद था और इस साल 180 मिलियन का हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर जो इसमें ऐड हो गया हमने एक्सेस डेप्रिसिएशन जो रीवैल्यूड एसेट की थी वो हमने रीवैल्यूएशन में से निकाली और यहां पर हमने रिटेन प्रॉफिट्स को शामिल कर लिया उसके अंदर रिटेन प्रॉफिट्स में रिवेल्यूशन रिजर्व्स में से निकाल के यहां पर ले आए और उसके बाद हमने क्रिएट किया जनरल रिजर्व जब जनरल रिजर्व क्रिएट करेंगे तो आपके रिटेन जो जॉइंट डेबिट हो जाएंगे इन अ वे आपके 682 से जब 300 का रिजर्व क्रिएट किया गया तो आपके रिटेन प्रॉफिट बाकी रह गए 382 के और फिर आपने 150 मिलियन का आपने डिविडेंड दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर्स तो वो डिविडेंड जो आपने दिया वो भी आपके रिटेन प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर रहा है 382 से रिड्यूस होके वो रह गया आपका 232 मिलियन और आपने बोनस शेयर्स इश्यू करने में रिटेन प्रॉफिट में से थर्टी मिलियन को यूटिलाइज किया एंड यू एंडेड अप एट टू हंड्रेड एंड टू मिलियन एज टू योर रिटेन प्रॉफिट और दूमोलेटेड प्रॉफिट बैलेंस एंड देन रियलाइजेशन ऑफ द अनरियलाइज्ड पोर्शन पोर्सन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस ये कौन सा है ये वो जो आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ किए थे उनका जो रीवेल्यूशन सरप्लस पड़ा हुआ था आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में उसको आपने वहां से निकाला रीवेल्यूशन सरप्लस से और आपने उसको यहां पर शो कर दिया रिटेंट प्रॉफिट्स में और यूं आपके रिटेंट प्रॉफिट्स जो है टू ट्वेंटी मिलियन के आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त तो जो अकाउंटिंग इसके पीछे डेबिट एंड क्रेडिट है वो क्या है

एग्जाम्पल्स हमने देख लिया है पिछले एलिस्ट्रेशन में और जब डिक्रीज हो रही होगी तो रिटेंट प्रॉफिट को आप डेबिट करेंगे अगेंस्ट द एनी अकाउंटिंग हेड जो रीजन बन सो दिस इज हाउ वी अकाउंट फॉर मूवमेंट इन द रिटेंट प्रॉफिट और अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स